जय भवानी। आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई, नुक्कड़ देखो नुक्कड़ देखो नुक्कड़ देखो, नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, जो जी सुनो जी, करो ना मन मोजी, करो ना मन मोजी, करता है वो जो हम क्यों सहे जी। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, जो जी सुनो जी, करो ना मन मोजी, करो ना मन मोजी, करता है वो जो हम क्यों सहे जी। ए जी ओ जी, मुंह पे हो मास्क दूरी के साथ। हम घर पे रहे हम घर पे रहे, हम मिलके कहे हम घर पे रहे। अरे अरे, पता है कौन आया है? कौन आया है? कोरोना आया है, कोरोना। ओ कोरोना हर आदमी का ये हो टास्क, मुंह पे मास्क दूरी के साथ। इसे मर्जी समझो या मजबूरी, रखनी पड़ेगी 2 फीट की दूरी। ना मिलाकर हाथ, खड़े हैं हम एक साथ। मेरी उम्र के नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों, तुम भी मानो, सबने इस दुख को है झेला, दुख बेला। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, हर जान से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है मोल कोई। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? यूं ही घूमने निकले थे। घूमने निकले थे? पता नहीं पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो आप क्या करोगे? तुम्हारे पास मास्क भी नहीं है और मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। मास्क मास्क मास्क, सारा दिन मास्क पहनकर दम घुट गया है हमारा। मास्क ना पहनोगे तो हो जाओगे बीमार, दुनिया क्या लेगी युवा से मिसाल। दुनिया हो जाएगी कोरोना का शिकार, सबकी सेहत में आएगा विकार। बात तो सही है, लगा लेते हैं मास्क। अब जाओ यहाँ से। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, कोरोना की ये कहानी है, जिसने भी ना मानी है, खुद की से असिद्ध मानी है, पुलिस वालों की ना मान के, मुंह पे मास्क ना बांध के, भविष्य ये नहीं जानते, खुद को हीरो मानते। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, कोरोना की ये कहानी है, जिसने भी ना मानी है, खुद की से ऐसे मानी है, पुलिस वालों की ना मानते, मुंह पे मास्क ना बांध के, भविष्य ये नहीं जानते, खुद को हीरो मानते। हेलो भाई, हेलो भाई, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। हाँ भाई, मेरे तो गले में बहुत दर्द होता है। अरे तुम अपनी बात छोड़ो, मुझे तो किसी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, हमें मुंह पे मास्क लगा लेना चाहिए था, और हमने दूरी भी नहीं बनाई। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। मास्क के आगे कुछ नहीं कुछ नहीं, सैनिटाइजर से बेहतर कुछ नहीं, दूरी से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं। ये डेंगू क्या है, आजकल बड़ा फैल रहा है। एडिस मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है, पानी के बर्तन या टंकी को ढककर ना रखने से फैलता है, कूलर के पानी को रोज ना बदलने से भी एडिस का मच्छर फैलता है। जब एडिस मच्छर हमें काटता है तो डेंगू का वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है, तो मानव शरीर तेज बुखार और उसके हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। मानव के ब्लड प्लेटलेट्स में भारी कमी आती है और जिसके कारण मानव को रोगों को ठीक करने की क्षमता कम हो जाती है।
क्या आप जानते हैं, कुछ वर्ष पहले डेंगू के 40,000 मामले सामने आए थे और फिर बढ़कर 1,90,000 हो गए थे। और तो और इस बार डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। मच्छर के काटने के कुछ दिनों बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वह इतने सामान्य होते हैं कि हम इसे फ्लू समझने लगते हैं, लेकिन ऐसे लक्षण दिखते ही आपको चेकअप करवाना चाहिए। डेंगू के लक्षण दिखते ही चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं। डेंगू के लक्षण दिखते ही चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं। डेंगू के लक्षण दिखते ही चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं। डेंगू के लक्षण दिखते ही चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं। अरे अरे, कोई देख तो नहीं रहा, चलो यहीं पे कूड़ा फेंक देता हूँ। छी छी, कितनी गंदगी है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारे मोहल्ले वाली ऐसी कूड़ा फेंक के चले जाती हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। इधर आओ, तुमने यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका है? नहीं नहीं, मैंने नहीं फेंका। मैंने अपनी आंखों से ही देखा है तुमने यहाँ पर कूड़ा फेंका है। ठीक है, उठा लेता हूँ, कूड़ेदान में डाल देता हूँ। क्या इस प्रकार हमारा देश स्वच्छ रह पाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने देश को स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो देखो भाई, हमें इस नाटक से अपने देश को स्वच्छ रखकर और बीमारियों से बचाकर हमेशा प्रगति करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलो आज एक प्रण करते हैं, हम मास्क लगाकर रखेंगे, हम मास्क लगाकर रखेंगे, दूरी भी बनाकर रखेंगे, दूरी भी बनाकर रखेंगे, आज के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, आज के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, खाना हमेशा हाथ धोकर ही खाएंगे, खाना हमेशा हाथ धोकर ही खाएंगे, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा, और हमेशा उन्नति की ओर उड़ान भरेगा, और हमेशा उन्नति की ओर उड़ान भरेगा। जय हिंद, जय हिंद।